लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ॐ विश्वेश्वराय शिव शंकर देव देवा दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। दीदी तुम्हारी चिट्ठी पढ़कर मुझे यहाँ आना पड़ा। क्या पागल जैसी बातें लिखी है तुमने चिट्ठी में? जो सच है वही लिखा है, लेकिन तुम अपने पति का घर छोड़कर कहाँ जाओगी? दुनिया बहुत बड़ी है दीदी, तुम्हें अपने खानदान का कोई ख्याल नहीं? दीदी तुम मेरी बड़ी बहन हो, माँ बाप ने बड़ी रकम दहेज में देकर तुम्हारी शादी बड़े घर में कर दी, और मुझे जब वो मुझे कुछ ना दे सके तो ये गरीब की झोपड़ी मेरे नसीब में आई। मगर मैं अपनी जिंदगी को यूं बर्बाद ना होने दूंगी, मैं खुद अपने लिए खुशियां ढूंढूंगी। अनिता तुम्हें किसी ने बहका दिया है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, छोड़ दो मुझे, कभी मेरा इंतजार कर रहा होगा। अनिता अगर तुमने एक कदम भी बाहर निकाला तो याद रखो मैं समझूंगी तुम मेरे लिए मर चुकी हो। ठीक है, मैं भी इस जिंदगी से कोई बंध नहीं रखना चाहती। पुरानी रिश्तों को तोड़ना आसान नहीं। नई जिंदगी की चमक दमक देखोगी तो ये सब बीती रात का डरावना सपना समान होगा। चलो यहाँ से चले चले, कहीं मेरी पुरानी जिंदगी मुझे फिर से ना बुला ले। महेंद्रनाथ जी को क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरी अपनी ही बहन ने मेरे मुंह पर गाली बोली। अनिता अब तो सुन के खुश हो जाओ, योर अपॉइंटमेंट कंफर्म, स्टार्ट इमीडिएटली लैंडलाइन कंपनी सिंगापुर। अनिता अब तो झगड़ा बंद करोगी ना, अब तो मेरे साथ झगड़ा नहीं करोगी, मुझसे प्यार करोगी। कहाँ चलेगी तुम? मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए। तुम्हारे साथ रहकर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तुम कहते हो तुम मुझे चाहते हो, मुझे प्यार करते हो, मगर गरीबी और भूख में मोहब्बत कैसे? मुझे जिंदगी की खुशियां चाहिए जिन्हें सिर्फ दौलत ही खरीद सकती है, जिनके बिना जिंदगी जिंदगी नहीं। और तुम्हारे पास मुझे देने को है क्या? गरीबी बेकारी? तुम्हें मेरी याद ना आए इसलिए मैं अपनी तस्वीर साथ ही ले जा रही हूँ। तुमने क्या किया अनिता? तुमने क्या किया अनिता? तुमने क्या किया Thank you.
आज महेंद्रनाथ जी की पार्टी में जाना है, याद है ना? ओहो, जज मैं अभी एक सेकंड में तैयार होकर आती हूँ। अच्छा ये तो बताती जाओ तुम्हारा एक सेकंड कितने मिनट का, ताकि मैं भी तैयार हो जाऊँ। बस 10 मिनट का। राइट श्योर, आप घड़ी देखते रहिए। अभी सुबह की गई, अब आई हूँ। देखिए ना डैडी, मम्मी मुझे डांटती है। तुम्हारी मम्मी मुझे नहीं छोड़ती, तुम्हें क्या छोड़ेगी? आपके लाड प्यार ने ही से बिगाड़ रखा है। अरे ये क्या, पूरी दुकान उठा लाई? आरती बेटी, तुम्हारे 10 मिनट तो यहीं पूरे हो गए। ओहो सॉरी डैडी, अभी एक सेकंड में आती हूँ। फिर 10 मिनट। हेलो वकील साहब, हेलो। बेटी आरती, ये सिंह साहब हैं, महेंद्रनाथ जी के खास दोस्त और उनके वकील भी। नमस्ते। और ये मेरी बेटी आरती। कैसी हो? अच्छी हूँ। माय फ्रेंड शोभा, आरती, लता, आरती। हेलो ललिता। ये भी कोई वक्त है आने का? अरे बाबा चिल्लाओ नहीं, मैं अंकल के काम से गया था। अच्छा आरती, ये विजय हैं, मेरे अंकल के खास दोस्त के लड़के हैं। देखने में तो अच्छे खासे हैं, लेकिन लड़कियों से बहुत शर्माते हैं। मैं जानती हूँ। तो क्या तुम लोग पहले भी मिल चुके हो? नहीं, इनके मुंह पर शर्म के लाली देखकर अंदाजा लगाया। हाय। तुम यहाँ भी? अजी कहते हैं दिल से दिल को राह होती है। वैसे ही मेरे अंकल का घर है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अगर तुम यूं ही मेरा पीछा करते रहे तो मुझे ललिता को बताना पड़ेगा। अजी मैं तो ये चाहता हूँ कि आप ललिता को क्या सारी दुनिया को बता दें कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। अरे ललिता। यस अंकल। महेंद्रनाथ जी क्या कर रहे हैं, ऐसा इंतजार कर रहे हैं? पता नहीं ऊपर कमरे में अकेले क्या कर रहे हैं। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए। जिन्हें सिर्फ दौलत ही खरीद सकती है, जिनके बिना जिंदगी जिंदगी नहीं। और तुम्हारे पास मुझे देने को है क्या? गरीबी बेकारी। आज मेरे पास सब कुछ है लेला, धन दौलत इज्जत, पर तुम नहीं हो। अंकल तुम यहाँ क्यों आए? मैंने तुम्हें इस कमरे में आने से मना नहीं किया था। I'm sorry अंकल, मुझसे गलती हो गई। मैं सिर्फ इतना कहने आई थी कि नीचे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ठहर ललिता, बुरा न मान ललिता, तू जानती है मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं, लेकिन कोई भी इस कमरे में आता है तो मुझे क्या हो जाता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पर अंकल इस कमरे में ऐसा कौन सा राज है जो आप अपनों से भी राज रखना चाहते हैं? कोई राज नहीं ललिता, अगर कुछ है तो सिर्फ मेरा खोया सपना, मेरे बीते हुए दिनों की यादें। लेकिन ये सब कहकर मैं तुझे दुखी नहीं करना चाहता, मैं तुझे हमेशा मुस्कुराता हुआ देखना चाहता। चल लोग इंतजार कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन महेंद्रनाथ जी, पद्मश्री मुबारक हो। सरकार ने आपको जो इज्जत आए बख्शी है, ये आपको बहुत पहले मिल जाना चाहिए। भगवान के अगले साल आपको इससे मैं अपनी और आप लोगों की तरफ से महेंद्रनाथ जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे खुशी के मौके पर कुछ कहें। वकील साहब मैं नेताओं की तरह भाषण तो नहीं दे सकूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिंदगी ने मुझे बहुत रुलाया है, लेकिन आज उसी ने मेरी झोली में इतनी खुशियां भर दी कि मेरा जी भराया है, और मैं चाहता हूं कि सारी खुशियों को उन लोगों में बांट दो जिन्हें जिंदगी ने आंसुओं के सिवा कुछ नहीं दिया। मुझे जाने दो, मुझे महेंद्रनाथ जी से मिलना है।
आओ मोहन, आओ, आ रहे दूसरे। क्या बात है मोहन? मैंने बहुत कोशिश की मगर मजदूरों ने हड़ताल करने का फैसला कर लिया है। अच्छा जी हाँ, वो सोचे थे कि आप उनकी मांगों को पूरा कर देंगे पर अब उन्हें यकीन हो गया है कि आप पे भरोसा करके उन्होंने भूल की। उनसे कह दो मोहन के मुझ पर भरोसा रखे और हड़ताल न करें। अगली बोर्ड मीटिंग में मैं उनकी सारी मांगे पूरी करने की कोशिश करूंगा। ललिता, तुम्हारे अंकल एक महान व्यक्ति हैं। आप ये मत भूलिए कि वो मेरे भी अंकल हैं। तो फिर उनसे कुछ सीखो। सीखो। अरे तू तो बड़ा ढींग मार रहा था, यहाँ तो कोई दिखता ही नहीं। अरे चरणदास की इन्फॉर्मेशन कभी गलत हो ही नहीं सकती। आरती का यहाँ आने का प्रोग्राम है, ये इन्फॉर्मेशन 100% करेक्ट है। लेकिन वो अब तक आए क्यों नहीं? आती होगी, आती होगी, इतनी जल्दी क्या है? वो देखा गई कला तेरे को। चल 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 आरती, वो तो फिर यही आ रहा है। आने दो, बेचारा प्रेम का मारा है, मुझे तो इस बेचारे पे तरस आता है। अरे उसे तेरी नहीं आरती की हमदर्दी की जरूरत है। हमदर्दी? उसे आने तो दो। आरती जी। जी लो आरती, जिनका तुम्हें इंतजार था वो आ गए। आरती मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब जो कुछ कहना सुनना हो कह सुन लो। जरूर कहिए। जी जरा। कहिए कहिए, शर्माइए नहीं। हम कुछ नहीं सुनते। हम कुछ नहीं सुनते। हाँ वो कुछ नहीं सुनेंगे, कहिए ना। कहूँ? जरूर कहिए। जरा कहिए ना, प्लीज कहिए ना। प्यार का बुखार ठंडा हुआ? राजा जयराम आओ वो लो, ये गरम गरम काढ़ा पी लो, तबीयत बिल्कुल साफ हो जाएगी। जल्दी जल्दी जल्दी। एक मर्तबा का जिक्र है कि मैं भी किसी के प्रेम में पानी में गिर पड़ा था और फिर भाड़ में जा तुम्हारा किस्सा। एक किस्से की वजह से तो ये धतूरा पीना पड़ रहा है। चीनी कम थी है? पीले पीले तुझे प्रेम का स्वाद तो पता लगेगा। ये घंटी इस वक्त? ये तेरे प्यार की घंटी है। मैंने आरती की एक सहेली को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। यार मैं तेरे कपड़े पहनता हूँ, तेरे घर में रहता हूँ, तेरा खाना खाता हूँ, तेरे लिए कम से कम इतना तो कर सकता हूँ ना। मैं अंदर जाता हूँ। हाथ वाला जा, दरवाजा खोल। और ये पी लेना। अच्छी बात है। हाय चरण। मैं कब से तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा था। सच? अबे तू क्या सुन रहा है, जा अपना काम कर। जाता हूँ। चरण मैं जब भी तुम्हारा घर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं जिंदगी भर यहीं ठहर जाऊँ। तो ठहर जाओ ना, कौन रोकता है तुम्हें। कोई नई ताजी खबर लाई हो? सुना है आरती की माता जी ने उसे संस्कृत सिखाने के लिए और एक आदर्श भारतीय नारी बनाने के लिए काशी से एक पंडित जी को बुलाया है और वो पंडित जी कल काशी एक्सप्रेस से आने वाले हैं। पंडित जी है? ये तुम बहुत अच्छी खबर लाई हो। क्या मतलब? मतलब जरा गहरा है, तुम नहीं समझोगी। ओ अब तुम जाओ। पर तुम तो कह रहे थे मैं जिंदगी भर यहाँ रह सकती हूँ। हाँ, कल से, कल से। बाय बाय चरण। बाय बाय बाय। विजय तेरा काम बन गया। कैसे? इधर आ। तू किधर आ? लो आरती, आंटी ने तुम्हें सुधारने का इंतजाम कर लिया है। देखते जाओ वो पंडित मुझे सुधारता है या मैं उसे सुधारती हूँ। क्यों कपूर? जो दीदी गए और सच। लो क्यों चक। आइए पंडित जी, आइए आइए आइए, चाय रात आइए आइए आइए। चाय माँ जी, पंडित जी आ गए। आइए पंडित जी। हाँ माँ जी। आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, सब गोपी वल्लभ की कृपा रही। जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण। मामी
प्रणाम कर। राधे कृष्ण, तो ये आपके सपुत्र है? आपकी पुत्री दिखाई नहीं दे रही। यही मेरी पुत्री है आरती। राधे कृष्ण, तो क्या इसके अपने वस्त्र नहीं जो अपने भाई के वस्त्र धारण किए हैं? पालिके, हमारी पहली शिक्षा ये है कि तुम लड़की बनकर आओ। पंडित जी, यही मैं भी इसे कहती रहती हूँ। माँ जी, लगता है आपने भी उन्हीं गुरु से शिक्षा पाई है जिनसे मैंने। पंडित जी, जी। मम्मी को अभी जंगल जाने का मौका नहीं मिला है। आए? आए। लड़की का मतलब है मेरे ऐसे भाग्य कहा जो आप जैसी शिक्षा पाती। ठीक है, अगर सभी ब्रह्मचारी हो जाए तो कैसे चलेगा? अब ब्रह्मचारी रहना कोई साधारण बात है? अरे माँ जी, ये तो हम जैसे 4 वेद, 18 पुराण, भागवत गीता रामायण के प्रकांड पंडितों का ही काम है। यू चीटर, इतना बड़ा बड़ा ग्लास लगाया, लड़की नहीं दिखता, जवान लड़की को टक्कर मारा, वेरी बैड, वेरी बैड। ये क्या हो रहा है? हाँ यार, हैं? पहचान गया, तुमने नया कुक रख लिया, मेरा मतलब रोटी बनाने वाला रसोईया। जी नहीं, सुनिए, ये अपने पंडित जी। पंडित जी? पंडित जी किस लिए? आरती को पढ़ाने आए हैं। आरती को पढ़ाने के लिए? जी हाँ डैडी। डिस्गस्टिंग। आंटी जी, पहले इन पंडित जी से कहिए अगर आपने मुंह धोकर आए। राधे श्याम। माँ जी, मुझे लगता है इस कन्या के साथ साथ मुझे इस बालक को भी पढ़ाना पड़ेगा। पंडित जी, आप इनकी बातों में ना आइए, चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। रोजी, यस, इनका सामान दे। कन्या, तुम पढ़ने के योग्य वस्त्र पहनकर आओ, हम शीघ्र आते हैं। और नादान, बोलो राधे श्याम। हम लेट हो चुके विक्रम जी, चलो चलिए। आरती, इस पंडित को दरवाजा दिखा दो, वरना ये चिड़ियाघर का जानवर सारे घर को चिड़ियाघर बना देगा। जी आया। पप्पू, वेल डन पप्पू, वेल डन। आइए शानदार जी। कहिए, कैसे आना हुआ? जी वो सेठ जी, बात दरअसल ये कि अंकल बहुत परेशान थे, सोचा चलकर सामने सामने बात करा दूं। लेकिन परेशानी की वजह मैंने एक बार कह दिया तो काम हुआ समझिए। देखिए जगत मुरारी जी, मैं और ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। मैं भी नहीं चाहता कि आपको ज्यादा इंतजार करना पड़े, और फिर इस बात में सिर्फ आपका फायदा नहीं, मेरा भी फायदा है। ये काम हो जाए तो मुझे नई जिंदगी मिल जाएगी। लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि कहीं मेरी जान ना चली जाए। तो फिर आपका इरादा पक्का है ना? हाँ, मुझे अच्छी तरह जानते हैं वकील साहब, फिर भी ये सवाल कर रहे हैं। अंकल, क्या हुआ? क्या है ललिता? अंकल को फिर धमकी की चिट्ठी आई है। हमें फौरन पुलिस को खबर करनी चाहिए। अरे वकील साहब, ऐसी चिट्ठियों की कौन परवाह करता? ये लोग बहुत खतरनाक है, आपको मालूम पहले क्या हो चुका है? हाँ याद है, पिछले वक्त मैं किस्मत समझ गया था और मेरे बदले मारा गया था, मेरे धोखे में, मेरी गाड़ी में मेरा दोस्त। अब तक मेरे दोस्त के खातिर का कोई पता नहीं चला, और अब तक ये लोग मुझे धमकियां देते चले जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि मौत के डर से मैं अपने असूलों को छोड़ दूंगा। ये लोग नहीं जानते कि जिंदगी में मैं कितनी बार मर चुका हूं। महेंद्रनाथ जी, क्या हुआ मोहन? मजदूरों ने आपके कहने पर हड़ताल रोक दी है, वो आप पे भरोसा किए बैठे हैं। बहुत अच्छा किया उन्होंने, उनका भरोसा गलत साबित नहीं होगा। अगर आप लोगों का यही फैसला है कि मजदूरों की मांगें ठुकरा दी जाए तो मैं इस कंपनी का चेयरमैन नहीं रहना चाहता। महेंद्रनाथ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कर रहा हूं, मेरी जगह किसी दूसरे को चेयरमैन चुन सकता है। लेकिन महेंद्रनाथ जी, आपके बगैर ये कंपनी चलेगी कैसे? क्यों, आप लोगों के रुपयों के जोर पर, आप लोगों की समझ पर कि आजकल के जमाने में भी आप मजदूरों को हाथ में देकर कारोबार चला सकते हैं? महेंद्रनाथ जी, कारोबार हमारे ही रुपए से चलता है, मजदूरों का हक है तो ये हक उन्हें दिया किसने? हम उन्हें काम ही नहीं देंगे तो उनके हक की बात ही कहां उठती है? दिस इज शेयर नॉनसेंस। आप मजदूरों को काम देकर ऊपर मेहरबानी नहीं करते, अपना काम चलाते, ये नहीं सोचते कि मजदूरों के बिना कारखाने बंद पड़ जाएंगे, मशीनें बंद पड़ जाएंगी। हमें अपने कारखाने बंद करना मंजूर है, लेकिन इस मांगों को हम हरगिज नहीं मानेंगे। आप ठीक कहते हैं, हमने अगर उन्हें एक बार उंगली पकड़ने का मौका दिया तो हमारी गर्दन पकड़े बिना नहीं रहेंगे। आप उनकी फिक्र क्यों करते हैं? उन्हें कुछ दिन भूखो मरने दीजिए, फिर देखिए कैसे गिड़गिड़ाते हुए हमारे कदमों पर गिरते हैं। सेठ बनवारी लाल जी, गिड़गिड़ा कर कदमों पर गिरने वाले मजदूरों को जमाने गए,
जानते हैं कि हम उनके अन्नदाता नहीं, वो हमारे अन्नदाता हैं। वो मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तभी हम ऐशो आराम की जिंदगी बिताते हैं। महेंद्रनाथ जी, यही समझ में नहीं आता कि आप किसकी तरफ हैं, हमारी या मजदूरों की। आप कंपनी के चेयरमैन हैं, पर वकालत आप मजदूरों की कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि एक दिन मैं भी उन मजदूरों में से एक था। उनके दुख दर्द को मैं जान सकता हूं। आप लोग क्या समझेंगे गरीबी क्या होती है? ना आप लोगों ने कभी भूख देखी, ना आपके बच्चे कभी दूध के लिए बिलखते रहे, ना आपने उस बीमारी को देखा है जिसमें इंसान दवा नहीं कर सकता, सिर्फ सिसक सिसक के मर सकता है। लेकिन लेकिन आप लोग इस बात को क्या समझेंगे? हम उनकी गरीबी के जिम्मेदार नहीं। हम जिम्मेदार नहीं तो कौन है? हम उनसे काम लेते हैं, और दिन रात काम लेने के बाद हम उन्हें इतना भी नहीं दें कि वो इंसानों की जिंदगी बसर कर सके। आप तो चाहते हैं कि मजदूर हमारे कारखानों के मालिक बन जाएं। यही आप लोगों का गलत ख्याल है। मजदूरों की भूख इतनी बड़ी नहीं है, वो सिर्फ अपनी मोटी मोटी जरूरतों को पूरा करना चाहता है, आपके कारखानों का मालिक नहीं बनना चाहता। आप मजदूरों के बारे में सोच रहे हैं, हमारे नफा नुकसान की बात तो आप सोचते ही नहीं। कैसा नफा नुकसान? मजदूरों की मांगे पूरी न करके आप लोगों को क्या मिलेगा? यही ना, एक और मकान, एक और मोटर कार, बैंक में कुछ और रुपए जो आप लोगों के लिए फजूल है, जिनकी आपको जरूरत नहीं। लेकिन एक मजदूर के लिए इन मांगों का मतलब है उसके बच्चे के बदन पर कपड़ा और पीने के लिए पहला दूध, उसकी औरत के लिए फटी पुरानी साड़ी की जगह एक नई साड़ी, और खुद अपने लिए एक वक्त पेट भर खाना जिसकी उसे जरूरत है, ताकि वो इतनी ताकत हासिल कर सके कि लगन से मेहनत से पसीना बहाकर आप लोगों के कारखाने में काम कर सके। बड़े अफसोस की बात है कि आप लोग उसे इतना नहीं देना चाहते। आप लोगों में इतने भी इंसानियत नहीं। ठीक है, सुनिए सुनिए महाराज जी, आप कहते हैं तो जी, आपका क्या ख्याल है? हाँ महेंद्रनाथ जी, आपकी सूझबूझ की बदौलत ही हमने इतना कमाया है। आपकी बात नहीं मानेंगे तो क्यों साहब? आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। आइए बिराइए तो सही। जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। गोली खाइए। तो आपको यकीन है वकील साहब कि विदेशी फर्म के साथ जो मैं कॉन्ट्रैक्ट करने वाला हूँ वो लोगों को पता चल गया? जी हाँ, और मुझे शक है कि वो लोग इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ उनका एग्रीमेंट हो ही ना सके। बड़ा अफसोस की बात है, मैं देश की तरक्की के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लोगों से वो भी नहीं देखा जाता। मुझे नीचा दिखाने के लिए वो देश का नुकसान करने से भी नहीं कतराते। अब जानते वकील साहब, इस नए स्कीम से कितने हजार मजदूरों को काम मिलेगा? पुलिस को बुलाओ।
राधे श्याम। क्या महेंद्रनाथ जी? नहीं डैडी, वो तो बच गए। भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। इतने बड़े दानी और दयालु महापुरुष की जान के पीछे लोग क्यों पड़े हुए हैं? मम्मी, ये बात सुनकर मैं कितना घबरा गई थी। तभी तो आने में देर हो गई, नहीं तो मैं जल्दी आ गई होती। क्यों पंडित जी, आप भी तो साथ में थे, कुछ कहिए ना। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, किस पाप की नगरी में चला गया था मैं? वासना का नग्न नृत्य, दुराचार, रक्तपात, मानव फिर पशुओं की ओर चला जा रहा है। माँ जी, मुझे तो ऐसे लगा जैसे मैं नरक में पहुंच गया हूं। पता है पंडित जी, उस नरक में जाने के लिए पूरे 100 रुपए खर्च हुए। 100 रुपए? मंदिर जाने के लिए कोई एक पाई नहीं खर्चता और उस नरक में जाने के लिए 100 रुपए? राधे कृष्ण राधे कृष्ण, अब 50 बार विष्णु सहस्र नाम का जाप करूंगा, तब कहीं जाके आज का पाप धुलेगा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तुम्हें तो मान मर्यादा का कोई ख्याल नहीं, बेचारे पंडित जी को भी साथ ले गई थी। मम्मी, तुम्हें तो कहा था कि मैं जाऊं पंडित जी को साथ रखूं। किन्नु नाम शास्त्राणि जयन्ते च पुनः पुनः, यानि नामानि दिव्यानि तानि चाक्षसकेशवः, मत्स्यं कूर्मं वाराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकः। तुम्हारी वजह से बेचारे को 50 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना पड़ेगा। कसम हो गया, महेंद्रनाथ जी पे किसी ने गोली चला दी। तुझसे पहले जो कन्या आई थी उससे मैं सारी बात सुन चुका हूँ। अच्छा सुन, मुझे अंकल से मिलना चाहिए, लेकिन अगर मैं फौरन आरती के घर नहीं लौटा तो वहां मेरी पोल खुल जाएगी। तू अंकल को समझा देना। ठीक है, मैं अंकल से कह दूंगा कि तू दिल की बीमारी के रिसर्च प्रोग्राम में कहीं भाग गया है। तुझे एक काम और करना होगा। आज नाइट क्लब में मुझे शक हुआ कि अंकल पर गोली चलवाने में क्लब के मालिक जगत मुरारी का हाथ है।
तू उस पर नजर रख। ये कौन सी बड़ी बात है, नाइट क्लब में चरण बाबू की पहचान वाली लड़की काम करती है। अच्छा याद है, वेरी गुड। एक बार मेरे साथ भी ऐसा किस्सा हुआ था, मैं जिस घर में काम करने वाला था वहाँ पहले ही से मेरी पहचान की लड़की काम करती थी। अरे पहले मेरा किस्सा सुन जाइए। अरे तेरा किस्सा सुनता है तो मेरे पास तमाशा हो जाएगा। बाय बाय। अच्छा मेरा किस्सा आप भी सुन लीजिए। लड़की को मुझसे मोहब्बत हो गई। लड़की ने कहा, अबे लड़की के बाप ने कहा अपना काम करो, अपना काम करो। आपको कैसे मालूम हुआ? क्या मैं आपको काम पे नहीं जाने दूंगी। कल की बात याद करके तो मेरा दिल धड़कने लगता है। अगर आपको कुछ हो जाता तो? हो जाता तो हो जाता। अंकल देख ललिता, होने को कोई नहीं रोक सकता, और जो बात नहीं है उसको चिंता करने फजूल है। वो आदमी मुझे मारने के फिक्र में था, लेकिन उसे क्या मालूम कि मौत खुद उसी का इंतजार कर रही है। आपसे तो बहस करना ही बेकार है। बेकार नहीं ललिता, एक बात की चिंता मुझे जरूर है। बस तेरे हाथ पीले कर दो, बस मेरी चिंता दूर हो जाएगी। ललिता आजकल विजय नहीं आता, कई दिनों से देखा नहीं है। तुमने उसे झगड़ा वाला तो नहीं कर लिया? मेरा उसे झगड़ा क्यों नहीं लगा? अरे तेरा क्या भरोसा, तुम मुझसे झगड़ा करने में बाज नहीं आती, वो बेचारा तो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर, बैठिए, इनके लिए कप चाय बना। शुक्रिया। आपको इस वक्त तकलीफ थी, माफी चाहता हूँ। क्या बात है? कल के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इन सब कोशिशों के पीछे हो सकता है एक आदमी का नहीं बल्कि किसी बड़े गैंग का हाथ हो। और आप फिर भी चुप बैठे हैं? क्या आपका फर्ज नहीं कि उस गैंग का पता लगाएं और उसे खत्म कर दें? ललिता तुझे इस बात का एहसास होना चाहिए कि इंस्पेक्टर साहब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर पूरी कोशिश ही तो काफी नहीं होती अंकल, अगर आपको कुछ हो जाता तो। नॉनसेंस, इंस्पेक्टर वर्मा के होते हुए मुझे किस बात का डर? इसके लिए आपको हमें बताना होगा कि आपको किस पर शक है या किससे आपकी दुश्मनी हो सकती है। अपने ही कामों में इतना मसरूफ रहता हूँ इंस्पेक्टर, कि दुश्मन बनाने का मुझे फुर्सत ही नहीं। लेकिन अंकल लोग अपने स्वार्थ के लिए भी तो किसी को बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन ललिता मुझे मार के किसी को क्या मिलेगा? दुनिया जानती कि मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद की वारिस तू है। अच्छा तो अब मुझे इजाजत दीजिए। अच्छी बात है इंस्पेक्टर साहब। और हाँ, अगर कोई खास बात आपके ध्यान में आए तो मुझे फौरन खबर कर दीजिए। अच्छा अच्छा, बाय बाय। और आप भी। चिट्ठी पढ़कर मुझे यहाँ आना पड़ा। क्यों पागल जैसी बातें लिखी हैं तुमने चिट्ठी में? जो सच है वही लिखा है। लेकिन तुम अपने पति का घर छोड़कर कहाँ जाओगी? मगर मैं अपनी जिंदगी को यूं बर्बाद ना होने दूंगी। मैं खुद अपने लिए खुशियां ढूंढूंगी। नई जिंदगी की चमक दमक देखोगी तो ये सब बीती रात का डरावना सपना समान होगा। ये लो, थैंक यू। मगर एक मेहरबानी करना, इसको लौटाने के बहाने भी यहां फिर ना आना। जैसे आपकी मर्जी। अच्छा, इजाजत चाहूंगा। क्या बात है लेडी, ये गुस्सा क्यों? वो आदमी यहां क्या करने आया था? तुम रवि की बात कर रही हो? हाँ, उसी की। वो यहां क्यों आता है? वो ये खैरात मांगने। लेकिन तुमने कहा था कि उसे कोई सरोकार नहीं रखोगे। मैं उससे कोई सरोकार नहीं रखना चाहता, वही पुराने दिनों का वास्ता देकर यहाँ चला आता है। पुराने दिनों का वास्ता। पुराने दिनों का वास्ता। लेकिन लिली, मैं ये नहीं भूल सकता कि उसी की बदौलत मैंने तुम्हें पाया। और मैं उसकी बदौलत ही यहाँ पहुंची हूँ। अब मैंने उसे यहाँ कभी देखा तो मैं उसकी जान ले लूंगी। लिली,
बहुत ज्यादा पी लिए तुमने। कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि पीना बंद करो, वरना तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकोगी। क्या तुम मेरी गिनती जिंदा लोगों में करते हो? मैं इसलिए पीती हूँ क्योंकि मैं बुजदिल हूँ, खुद गले नहीं कर सकती। पीकर अपने और इस दुनिया की हस्ती को भुला देना चाहती हूँ, लेकिन जितना पीती हूँ उतनी ही बीती बातें याद आती है। ऐसा लगता है ना को बिच्छू एक सब दंग मार रहे हो। मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं मर जाना। अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो तुम अकेली नहीं मरोगी, हम सबको साथ में लेकर मरोगी। बहुत हो चुका पीना, तुम और तुम्हारी ये बोतल हमारे लिए सब में भारी खतरा। लाओ ये बोतल मुझे दे। नहीं, मेरी बोतल वापस दे दो, प्लीज प्लीज मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी बोतल वापस दे दो, प्लीज दे दो। ओहो वकील साहब, आपके नौकर ने बदला दिया होगा। क्या आप घंटे से मेरा इंतजार कर रहे हैं? जी कहिए। मैं आज सुबह महेंद्रनाथ जी से मिलने गया था। मुझे मालूम है, मुझे यूं लगा महेंद्रनाथ जी कोई बात छुपा रहे हैं, मानो वो जानते हो गोली चलाने वाले के पीछे किसका हाथ है, मगर बताना नहीं चाहते। हो सकता है उन्हें शक हो, यकीन न हो। बड़े लोग शक को अपने मन में तब तक छुपाए रखते हैं जब तक शक यकीन में तब्दील ना हो जाए। अगर आपके मन में कोई शक है तो आप ना छुपाइएगा। इसलिए कि मैं बड़ा आदमी नहीं? जी नहीं, बल्कि इसलिए कि आप एक वकील हैं और कानून की मदद करना आपका फर्ज है। वकील की हैसियत से तो मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूं कि जब कोई किसी का खून करने को उतर आए तो वजह संगीन होती है। महेंद्रनाथ जी की मौत से किसको फायदा हो सकता है, जैसे उनकी भतीजी ललिता को, या उन लोगों को जो महेंद्रनाथ की मौत के बाद अपना कारोबार बढ़ा सके, या उन लोगों को जो ये नहीं चाहते कि महेंद्रनाथ विदेशी कंपनी के साथ अपनी पार्टनरशिप करे, या फिर उन लोगों को जो आज महेंद्रनाथ जी की जायदाद की देखभाल कर रहे हैं और नहीं चाहते कि उनकी हेराफेरी का महेंद्रनाथ जी को पता चले। मतलब? जैसे कि आप। इंस्पेक्टर। कहिए। तुम्हें मालूम है एक जमाने में महेंद्रनाथ बहुत गरीब थे? सुना है। तो ये भी सुना होगा उनकी गुर्बत में उनकी बीवी उन्हें छोड़कर चली गई थी। ये मेरे लिए नई बात है। और नई बातें मालूम होगी। फिलहाल ये जानना बहुत जरूरी है कि उनकी बीवी कहाँ है, तो शायद इस राज पर रोशनी पड़ सके। थैंक यू वकील साहब, मैं आपकी बात याद रखूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो आरती। हाय स्मृति। हेलो, हाउ आर यू? चलो घरो। हेलो, चलो हम लोग पिकनिक पर चलेंगे। ओह लवली, हमने सब इंतजाम कर लिया। वेरी गुड, कम ऑन। आरती तुम इन लड़कियों के साथ नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? इसलिए कि पंडित जी मना करते हैं। ओह नो मम्मी। लड़कियों तुम लोग जाओ, आरती अभी पढ़ेगी। जाओ जाओ जाओ। अच्छा गर्ल्स अब तुम जाओ। ओके माँ जी, आपकी लड़की अच्छी है, केवल संगत बुरी है। थैंक यू वेरी मच पंडित जी। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम आरंभ करेंगे। क्या तलम आरंभ करेंगे? आरती मजाक छोड़ो, पहले पंडित जी के लिए जलपान का इंतजाम करो, गुरु की सेवा करना सीखो। जरूर करूंगी मम्मी, अच्छी तरह सेवा करूंगी। पंडित जी मैं अभी जलपान लाती हूँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण।
आरती आई आई ये कन्या है फिर यहाँ जी क्या मैंने तुम्हें अध्ययन के लिए नहीं कहा बुलाओ तुम्हारी माता को आप कष्ट मत कीजिए मम्मी को मैं ही बुला देती हूँ आई आई क्या कहा पंडित जी ये देखिए टेप विष्णु सहस्त्र नहीं जब मम्मी आ जाए तो खुद ये बता देना कि आप रात रात घर कहाँ गायब रहते हैं मम्मी कन्या तुम अचानक कर रही हो ये सब मम्मी बता देना दया करो बालिका इस निर्दोष धर्मचारी पर दया करो मैं भविष्य में तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा कभी नहीं क्यों तुम्हारा क्या ख्याल है पंडित जी को सजा मिलनी ही चाहिए हाँ हाँ मिलनी ही चाहिए ब्रह्मचारी के लिए सबसे बड़ी सजा क्या हो सकती है कुछ नहीं मैं बताती हूँ इन्हें प्रेम का गाना सुनाने के लिए कहा जाए नहीं ऐसा नहीं हो सकता सुनाते हैं या सुना सकती को सुनाता पर मुझे लज्जा आती है सुनाता हूँ आप लोग अपने अपने आसनों पर विराजमान हो जाइए और अपने चक्षु बंद कर लीजिए चक्षु आंखें ओ चक्षु बंद प्रिय 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 प्राणेश्वरी प्रिय प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें प्रिय प्राणेश्वरी चक्षु तेरे चंचल चंचल ये चक्षु तेरे चंचल चंचल ये कुंतल भी श्यामल श्यामल ये अधर धरे जीवन ज्वाला ये रूप चंद्र शीतल शीतल ओ कामिनी विशेष करें यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें प्रिय प्राणेश्वरी संचित पुण्यों की आशा हो संचित पुण्यों की आशा सुन व्यथित हृदय की मृदु भाषा सर्वस्व समर्पण करते हम करो पूर्ण हमारी अभिलाषा गजगामिनी गजगामिनी दूर क्लेश करें यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें प्रिय प्राणेश्वरी
नहीं इस यौवन के, हम घमर नहीं इस यौवन के, हम याचक हैं मन उपवन के, हम भाव पुष्प कर दे अर्पण, साकार करो सपने मन के, मन मोहिनी मन मोहिनी मन में प्रवेश करें, यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें, यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें, प्रिय प्राणेश्वरी। ओ ओ ओ मातेश्वरी दुर्गेश्वरी, यदि आप हमें आदेश करें तो हम यहाँ से प्रस्थान करें, यदि आप हमें आदेश करें तो हम यहाँ से प्रस्थान करें, ओ मातेश्वरी। मेरी समझ में नहीं आता उसे मैं अपनाऊं कैसे, उसको तो पंडित के नाम से चिढ़ हो गई। यार आजकल जब अंग्रेजी अपनी मातृभाषा हो गई तो संस्कृत में प्यार कौन करेगा? लेकिन वो अंग्रेजी में भी तो प्यार करने को तैयार नहीं, घर में संस्कृत बोलकर देख लिया और बाहर अंग्रेजी बोलकर, दोनों ही रूप में मजाक बन के रह गया। अब तू ही बता मैं क्या करूं। अब जब तू मेरे शरण आया है तो मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा। तो फिर सोच। दरअसल अपन फिल्मी ढंग पे निकल पड़े, लड़की का दिल कैसे जीता जाता है इसका तो हमने ख्याल भी नहीं किया। तू सच प्रेमी है? हाँ 100%। अबे हाँ। तो प्यार के लिए अपनी जान दे सकता है? हाँ। अबे गधे, अगर जान दे दी तो प्रेम कौन करेगा? अबे तो सचमुच थोड़ी मानना है, नाटक करना है सिर्फ, उससे क्या होगा। मेरा दोस्त। क्या हुआ? मेरा दोस्त एक आशिक की जान ले ली और फिर पूछती हूँ क्या हुआ। तुम्हें तो कई चाहने वाले मिल जाएंगे लेकिन मुझे मेरा दोस्त कहाँ मिलेगा? विजय मेरे प्यारे आंखें खोल, देख तेरा चाहने वाला, तेरा दोस्त तुझे पुकार रहा है। क्या इन्होंने सच में जान दे दी? क्या तुमने किसी को झूठ मूठ जान देते हुए देखा है? ए पत्थर दिल लड़की, इसकी इस हालत के जिम्मेदार तुम हो। तुम जब तक इसने तुम्हें नहीं देखा था कितना जिंदा दिल था, लेकिन जब से तुम्हारे प्यार में पड़ा है इसकी हालत मूर्तों से भी बदतर हो गई है। विजय, विजय आंखें खोले। विजय देखो मैं आरती तुम्हें पुकार रही हूँ। देखा देखा से आवाज निकली। अब तक ऐसी सिचुएशन तो मैं फिल्मों में देखते आ रहा हूँ, आज पहली बार रियल लाइफ में देख रहा हूँ। हे प्रभु ब्लेस हिम, कल्याण करो। चरण मेरे दोस्त, चरण चरण मैं यहाँ हूँ। तो फिर ये कौन है? चरण चरण मेरी टांग टूट गई है, अटैच हो गया हूँ। चरण आरती विजय को जल्दी किसी हॉस्पिटल में ले चलो, अगर इनका ऑपरेशन करना पड़ा तो। ऑपरेशन नहीं, मैं किसी ऐसे वैसे डॉक्टर से ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। यार तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें अपने पहचान के डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, वो तुम्हारी टांग काटते समय दर्द नहीं होने देगा। क्या कहा? आरती डॉक्टर, इनकी टांग ठीक हो जाएगी ना? डोंट वरी, कोई बात नहीं, मैंने तो अच्छे अच्छे वो ठीक कर दिया, ये तो मामूली सी टांग है। थैंक यू डॉक्टर। जब तक ये ठीक ना हो जाए आपको यहाँ रोज आना और जाना पड़ेगा। फिर तो काम कर गया। क्या मोहब्बत हो तो ऐसी हो, मैं तो आपको देख के समझ गया था कि आप इस हैंडसम आदमी से बहुत प्यार करती है।
करती है ना। अच्छा मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। सुनिए, कल जरूर आइएगा, क्योंकि आदमी बचने वाला नहीं, इसकी जान इसकी टांग में अटकी हुई है। जरूर आऊंगी। मामले की छानबीन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अकेला जगत मुरारी ही महेंद्र नाथ जी की जान का दुश्मन है। उनकी दौलत की वजह से और भी बहुत से लोगों की उनकी मौत में दिलचस्पी है। ये उनकी भतीजी ललिता जो उनकी दौलत की अकेली वारिस है, महेंद्र नाथ जी का सेक्रेटरी प्रेम कुमार जो ललिता के इशारों पर चलता है, और ये है वकील साहब जो महेंद्र नाथ जी की जायदाद की देखभाल करते हैं। ये है कदम कदम पर उनकी मुखालफत करने वाला बनवारी लाल, और ये है मिस्टर रवि लड़कियों की कमाई पर गुजर करता है, और ये मिस्टर विक्रम जिसकी कमाई का कोई जरिया नहीं, यहाँ तक कि ये श्यामलाल जी भी अपने मतलब के लिए महेंद्रनाथ का खून कर सकता है। लेकिन श्यामलाल क्यों? महेंद्रनाथ जी ने अपनी वसीयत में एक बहुत बड़ी रकम उनके नाम भी लिख रखी है। उनके नाम? हाँ, मैंने पता लगाया है, ललिता के बाद श्यामलाल ही महेंद्रनाथ जी का करीबी रिश्तेदार है। श्यामलाल की पत्नी महेंद्रनाथ जी की पत्नी की बड़ी बहन है। तो महेंद्रनाथ जी की पत्नी, वो उनको गरीबी के दिनों में छोड़कर भाग गई थी, इसलिए कोई भी इस रिश्ते की बात जाहिर नहीं करता, यहां तक कि आरती को भी इस बात की खबर नहीं। तो अब क्या किया जाए? महेंद्रनाथ जी की जिंदगी देश के लिए बहुत कीमती है, हमें जिस पर भी शक हो उसे एक पल भी नजर से दूर ना करें। या राइट सर। आप इन लोगों को पहचान लीजिए। ओके सर। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम जो शख्स बर्बादी के किनारे खड़ा हो उसे यू गुस्सा करना जेब नहीं देता। मेरी बर्बादी की वजह तुम हो। मैं तुमसे मदद की उम्मीद लेकर आया और तुमने सब्ज बाग दिखाकर मेरी रही सही पूंजी भी मुझसे लूट ली। तो अब तक मैं कर्ज लेकर किसी तरह अपनी इज्जत की दीवार खड़ी रख सका, अब वो भी मुमकिन नहीं। अगर इस हफ्ते मैंने पैसे नहीं चुकाए तो लेनदार मेरा घर बार बिकवा देंगे, मेरी बीवी और बच्चे सड़कों पर मारे मारे फिरेंगे। इस बात के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। अब भी वो कागजा जिनकी हमें जरूरत है हमारे हवाले कर दो, तुम्हारा सारा कर्जा चुका दिया जाएगा और तुम्हारी बीवी और बच्चों को सड़क पर मारे मारे फिरने की नौबत नहीं आएगी। मैं कितनी बार कह चुका हूं मेरे पास कोई कागजात नहीं है, तुम्हें किसी ने गलत बहका दिया है। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? जानते हो तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए मुझे कितनी अकल खर्च करना पड़ी? अब मैं वो कागजात हासिल किए बगैर चुप नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें जान से मार लूंगा। इन खिलौनों से खेलना तुम्हारा काम नहीं। जगत मुरारी, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ले जा इसे। जगत मुरारी, दुनिया के सामने मैं तुम्हारा भांडा भर दूंगा। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अच्छा विजय, मैं चलती हूँ। मुझे हर रोज उस पंडित को बेवकूफ बनाकर यहाँ आना पड़ता है, न जाने वो हमारे यहाँ से कब जाएगा। अजी, मैं जरा ठीक हो जाऊँ तो फिर उस पंडित का वहाँ टिकना मुश्किल हो जाएगा। बस मैं वहाँ आया और वो गायब। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुम मेरे इतने करीब आ गई हो तो फिर उस पंडित का वहाँ क्या काम? ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अजी, तुम क्या जानो, जब से तुम्हें देखा है तब से बहक गया हूँ। Thank you.
अगर तुम नहीं आते। लेकिन आप तुम लोग थे कौन, क्या चाहते थे? मुझे कुछ नहीं मालूम। इस बात की पुलिस को रिपोर्ट कर देनी चाहिए। नहीं विजय, मम्मी डैडी बहुत परेशान हो जाएंगे। हाँ तुम ठीक कहती हो, आओ चलो। तुम्हारी टांग? मेरी टांग को हुआ क्या था? क्या? मेरा मतलब है कि तुम्हारी सेवा से अब बिल्कुल ठीक हो गई। अब मैं तुम्हारे कदम से कदम मिला के चलूं। सच? प्यार
है मंजूर तो बोलो हाँ 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 तो बातों की मुझको भी तमन्ना जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण पंडित जी आज आप इतने गंभीर क्यों हैं? आरती तुम्हारा ये चुप चुप के बाहर जाना अब मुझसे सहन नहीं होता मेरा कर्तव्य अब मुझे मौन नहीं रहने देता मुझे तुम्हारी माता को सब कुछ बता देना पड़ेगा तो फिर मुझे भी आपका टेप रिकॉर्डर मम्मी को सुनाना पड़ेगा आई हाय अब जाइए मम्मी से कहिए जाइए ना कोई बात नहीं मैं अपना अमंगल होते हुए देख सकता लेकिन तुम्हारा अभद्र होते हुए नहीं देख सकता ब्रह्मचारी अगर फिसले तो वो गृहस्थी हो जाएगा लेकिन नारी अगर फिसले तो उसे कोई किनारा नहीं मिलता मैं जाता हूं तुम्हारी माता के पास नहीं नहीं पंडित जी ऐसा मत कीजिए क्या आप सच्चे प्रेम को फिसलना कहते हैं सच्चा प्रेम हाँ पंडित जी मैं विजय से इतना प्यार करती हूँ कि मैं उसके बिना रह नहीं सकती ओ, तो जिस मायावी ने तुमको हमसे दूर किया है उसका नाम विजय है पंडित जी आप क्या कह रहे हैं यही कि मैं तुमसे प्रेम करने लगा तुम्हारे बिन रह नहीं सकता पंडित जी क्यों क्या संस्कृत के पंडितों का हृदय नहीं होता पंडित जी क्या ब्रह्मचारी सुंदरता से मोहित नहीं होता आप होश में तो है ना तुम्हें देखकर किसे सुदबुद रहेगी आरती यू ये विजय तुम हाँ मैंने तुम्हें कहा था ना आरती कि मैं आया तो पंडित गायब वेरी गुड बहुत अच्छा ड्रामा है मैंने कहता था अंकल ये पंडित नहीं कोई उचक्का है यू स्काउंडरल हाउ डेयर यू इससे पहले कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं निकल जाओ मेरे घर से गेट आउट डैडी विजय को कुछ ना कहिए मैं इसे प्रेम करती हूं प्रेम और इस बहुरूपिया से जिसने हम सबको धोखे में रखा वो तुम्हें धोखा नहीं देगा इसके क्या भरोसा अंकल मुझे इसकी पूरी असलियत बताने दीजिए ये है मिस्टर विजय महेंद्रनाथ जी के होने वाले दामाद क्या हाँ आरती ये प्यार का नाटक तुमसे कर रहा है और शादी महेंद्रनाथ जी की भतीजी से तय नहीं नहीं आरती तुम्हें पर मेरी बात तो सुनिए मैं कुछ नहीं सुनना चाहता तुम कान खोल कर सुन लो अगर फिर कभी तुमने आरती से मिलने की कोशिश की तो महेंद्रनाथ जी का नाम भी तुम्हारे काम नहीं आएगा लेकिन अंकल गेट बिगड़ेंगे क्यों नहीं गए कोई तरीका है किसी के घर संस्कृत का पंडित बनकर घुस गए तुम आजकल के लड़के जिंदगी को मजाक क्यों समझते हो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझते तुम्हें श्यामलाल और मेरा रिश्ता मालूम था फिर भी तुमने ये बात मुझसे छुपा रखी अंकल मुझे डर था कहीं आप नाराज ना हो जाए मेरे और ललिता के बारे में जो कुछ आपने सोच रखा था उसकी वजह से मैं आपसे कुछ ना कह सका विजय क्या तुम समझते हो मैं तुम्हारा दुश्मन हूं ललिता से जो मैंने तुम्हारा रिश्ता तय किया है तुम्हें दुखी करने के लिए मैं तुम्हें सुखी देखना चाहता हूं अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो तुम्हारी शादी आरती से ही होगी थैंक यू अंकल श्यामलाल जी कभी मेरी बात नहीं टालेंगे और ये ललिता की बात वो समझदार लड़की है तुम दोनों के खुशी के बीच में कभी नहीं आएगी अंकल मैं उसकी फिक्र न करो
शामलाल की ये मजाक, तुम इसकी फिक्र मत करो। राजन जैसे शामलाल हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया। मैं कुछ समझा नहीं आपका मतलब। मतलब मतलब ये कि उसको हमारे रास्ते से हटा देना। यही जगत मुरारी को ये बात कहते हो, उस कन्या ने अपने कानों से सुना है, और तू तो जानता है कन्या ऐसी बातें सुनने में गड़बड़ कभी नहीं करती। तो फिर आरती के पिताजी को इस खतरे से आगाह कर देना। हाँ हेलो अंकल जी, मैं विजय बोल रहा हूँ। मुझे पता चला है कुछ लोग आपकी जान लेना चाहते हैं, इसलिए मैंने सोचा। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। तुम्हारी मजाल कैसे हुई कि तुम मुझे फोन करो? विजय मुझे महेंद्रनाथ जी से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। अंकल आप मुझे गलत समझ रहे हैं, आपकी जान खतरे में है, मुझ पर यकीन कीजिए। शट अप, मैं तुम्हारी सब चालबाजी समझता हूँ। हेलो अंकल, मुझे एक भी सुनने को तैयार नहीं, मुझे वहां जाना पड़ेगा। विजय इस वक्त दरवाजा रखिए। विक्रम ने आरती और उसके घर वालों की कान भर दी, उसने उन्हें यकीन दिला दिया कि तू आरती को पाने के लिए उसके पिताजी की जान भी ले सकता है। मुझे कोई परवाह नहीं। ये देखें बताइए ना किसने। कौन अंकल? लेकिन वो मकान छोड़कर कहीं और चली गई। सुना है बेचारी आरती अपने पिता की मौत के बाद बहुत परेशान है, और उसकी वजह मैं। अगर मैं वक्त पर पहुंच जाता तो शायद उनको बचा सकता। तुम तो बचाने गए थे, लेकिन उन्होंने तुम पर कत्ल का झूठा इल्जाम लगा दिया। अंकल की वजह से मैं तो अदालत से छूट गया, लेकिन बेचारी आरती। हेलो, हाँ है, चरण का है। हेलो चरण, क्या मकान की बात तय होगी? अच्छा मैं आता हूँ। अच्छा ललिता मैं चलता हूँ। बाय बाय। आरती, आरती दरवाजा खोलो, मैं तुमसे कुछ कहने आया। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, चली जाओ यहाँ से। आरती क्या तुम अब भी मुझे गुनाहगार समझती हो? दुनिया ये नहीं भूल सकती कि तुम मेरे पिताजी के कातिल हो। और अदालत ने जो मुझे निर्दोष ठहराया वो? अदालत का फैसला दुनिया वालों की जबान नहीं रोक सकता। नहीं आरती नहीं, वक्त ने हमसे बहुत बड़ा मजाक किया है। विजय चले जाओ वहां से। तुम माजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? माजी माजी मैं आपको लेने आया हूँ। अब आपको इस बस्ती में रहने की कोई जरूरत नहीं, आपका अपना मकान आपके लिए इंतजार कर रहा है। मकान फिर से आपके नाम हो गया है, ये रहे उसके कागजात। माँ इनसे कह दो
हमें नहीं चाहिए किसी की मदद, हमें नहीं चाहिए किसी की भीख। हम जिस हाल में हैं, उस हाल में रहने दे। माँ जी इनसे कहिए। सुन लिया तुमने? चले जाओ यहाँ से। आरती, सुनो आरती। आरती, तुम इतनी संदिग्ध नहीं हो सकती कि जो गुनाह मैंने नहीं किया उसकी सजा तुम मुझे दो। मैं तुम्हें सालत में नहीं देख सकता। प्लीज मेरे साथ चलो, प्लीज। हम पर एक मेहरबानी करो, दुनिया को तमाशा मत देखो, यहाँ तो हमें चैन से जीने दो। आरती, चले जाओ, चले जाओ ना। मुझ पर विश्वास न करके तुम बहुत बड़ा अन्याय कर रही हो। अब मैं तुम्हारे पिता के असली कातिल का पता लगा कर ही छोड़ूंगा और उस दिन ये बात तुम्हें खुद समझ आ जाएगी। विक्रम, तुम जानते हो कुछ लोग मेरी जान के नीचे हाथ धोकर पड़े हैं। जी हाँ। मैं उन लोगों का पता लगाना चाहता हूं। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? विक्रम, जब मैं इतना बड़ा कारोबार चलाता हूं तो कुछ अकुत में जरूर होगी। क्यों नहीं? लोगों को पहचानना मेरे धंधे में शामिल है। मैं कुछ समझा नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरे दुश्मनों का पता तुम लगाओ। पहले मेरी बात सुनो, अगर तुम ये काम करोगे मैं तुम्हें मारा मार कर दूंगा। लेकिन मैं उनका पता कैसे लगा सकता हूं? विक्रम, मैं जानता हूं तुम्हारी मेहनत की एक कीमत है और ये भी जानता हूं जिस तरह तुम ऊंची सोसाइटी में उठते बैठते हो उसी तरह खूनी और बदमाशों से भी तुम्हारा वास्ता। वंडरफुल, क्या ब्यूटी है, जो देखेगा वो अपना दिल दे बैठेगा। क्यों गुप्ता? जनाब, दिल के बारे में आप मुझसे ज्यादा जानकार हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, इनको इनके रोल के बारे में समझा दिया? जी, यही जरा गलत हो गया, गाना इन्हें पसंद नहीं। क्यों? आप तो कहते थे कि आप कल्चरल शो करते हैं, क्या आपका ये गाना बाजार नहीं लगता? ये भी तो एक किस्म का कल्चर है, लोगों का दिल खुश करना कोई मामूली आर्ट नहीं। और फिर ये स्टेज भी तो एक बाजार है जहां पर जवानी और खूबसूरती की नुमाइश करके पैसे कमाए जाते हैं। अगर ये गाना मैं ना गाऊं? अगर तुम्हें काम चाहिए तो गाना ही होगा। हाँ, अगर काम चाहिए तो। काम काम दो, मुझे सख्त जरूरत है। तब तो तुम्हें दीवानी जवानी के गीत गाने ही पड़ेंगे। 16वां साल कैसे लगा, 17वें में क्या हुआ और अब 18वां कैसे बीत रहा है, ये सब तुम्हें गाना ही पड़ेगा, समझी? जवानी आई है।
क्या बात है? आरती जी का पता लग गया। बहुत अच्छा हुआ। तुम ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले। तो क्या आप उन्हें मिलने जाएंगे? हाँ, मुझे उससे मिलना ही पड़ेगा। वो मेरे सिवा किसी और की बात नहीं मानेंगे। चलो। मिस आरती, आज मैं बहुत खुश हूं। तुम्हारे नाच, तुम्हारे गाने और तुम्हारी खूबसूरती ने देखने वालों के मन के साथ साथ मेरे भी मन को जीत लिया है। तुम्हारी कामयाबी ने मेरे थिएटर के नाम पर चार चांद लगा दिए। मैं चाहता हूं कि मेरी इस खुशी में तुम भी शरीक हो जाओ। लो ये रखो। ले लो। लो। शुक्रिया। कहाँ जा रही हो? अभी आई और अभी जा रही हो? जी मुझे जाना है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। और मेरी आरती की रक्षा करना, मेरे बच्चे की रक्षा करना। पिछले चार पांच महीने इस मुसीबत में काटने पड़े। दरअसल गलती मेरी है, मुझे देखना चाहिए था, मुझे पता लगाना चाहिए था कि तुम लोग किस हालत में हो। लेकिन मैं भी अपनी परेशानी में इस कदर उलझा रहा कि मुझे इस बात का ध्यान नहीं आया। मगर तुम तो आ सकती थी। अंकल ये तो अभी नहीं आ रही थी, मैं इसे जबरदस्ती खींच लाई हूँ। नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं। बेटी तुम नहीं जानती तुम्हारे पिताजी से मेरे कितने गहरे संबंध थे, लेकिन तुम्हारी माता जी तो जानती थी। मेरी समझ में नहीं आता उन्होंने मुझे पराया क्यों समझा। मैं क्या मुंह लेकर आती, मेरी छोटी बहन ने जो आपके साथ सुलूक किया मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। लेकिन इसमें आपका तो कोई दोष नहीं, और फिर कैसे हमारे रिश्ते बदल जाएंगे, इसे अपना ही घर समझिए। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटे। नमस्ते अंकल। नमस्ते। ललिता का फोन आया है कि उसने मेरे लिए भी सिनेमा की टिकट ले ली है, मुझे बुलाया है। मैं जाओ बेटा, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। सुनो आरती, कुछ दिनों से मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था। कहिए अंकल। मुझे के लिए तुम्हारे दिल में जो गलतफहमी है उसे तुम दूर कर दो। दुनिया उस पर अभी शक करती है अंकल, और जब तक पिताजी का असली खूनी पकड़ा नहीं जाता मैं विजय के बारे में सोच भी नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती। मैं समझता हूँ बेटी, मुझे यकीन है वक्त इस गलतफहमी को दूर कर देगा। लेकिन मेरी एक बात सुन लो, वो तुम्हें बहुत चाहता है, मेरा ख्याल है तुम भी उसे बहुत चाहती हो। जाओ। सोच रहा हूँ ललिता के साथ आरती को शिमला ले जाऊं, उसका दिल बहल जाएगा। शिमला? हाँ, मुझे कुछ दिनों के लिए वहां जाना पड़ेगा, वहां के लोगों ने मुझे बुलाया है। आप तो जानती हैं वो मेरे पुरखों की जगह है, आप भी चलिए। चले चलिए। पप्पू की पढ़ाई का क्या होगा, इसे बोर्डिंग में भिजवा कर चलते तो। उसका इंतजाम तो मैं कर दूंगा, लेकिन सुनो तुम बोर्डिंग हाउस में रहोगे? हाँ रहूंगा, मगर रात को बिस्तर में सुस्ती हो गई तो मारना पिटेगी। ओ हाँ, अरे नहीं
नहीं, कोई नहीं मारेगा तुम्हें, तुम हेडमास्टर के सर पर सुसु कर देना तुम। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पूरा भरोसा है कि आरती के पिता का खून जगत मुरारी ने किया है और वही महेंद्रनाथ जी के पीछे अब शिमला गया है उनका खून करने के इरादे से। आप कुछ भी नहीं कर रहे, क्यों? बिना सबूत हम कर भी क्या सकते हैं? आप सबूत ढूंढते रहिए और वहां जगत मुरारी अपनी साजिश करता रहेगा। आपसे कुछ भी नहीं होगा, मैं खुद सबूत ढूंढूंगा। आप लोगों के लिए किसी की जान की कोई कीमत नहीं। मिस्टर विजय, आप गलत समझ रहे हैं। महेंद्रनाथ जी की जिंदगी जितनी आपके लिए कीमती है उतनी ही सारे देश के लिए भी कीमती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, गवर्नमेंट की नजर में ये मामला बहुत ही संगीन है। इसको सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया है और हम तमाम इंफॉर्मेशन सीबीआई को भेज चुके हैं। इंस्पेक्टर, ये बात कहकर आपने मेरी कुछ परेशानी दूर कर दी। फिर भी आप महेंद्रनाथ जी के साथ रहकर पुलिस की काफी मदद कर सकते हैं। अगर आपको किसी बात का शक हो, शिमला पुलिस आपकी मदद करेगी। मैं इस बात का इंतजाम कर दूंगा। थैंक यू इंस्पेक्टर, शिमला पहुंच कर मैं आपकी बात याद रखूंगा। गुड लक। थैंक यू। चल, मगर यार यूं शेर के मुंह में जाना अकलमंदी नहीं है। अगर जगत मुरारी से डर लगता था तो शिमला क्यों आया? मुझे डर नहीं लगता, मुझे ठंड लग रही है और दो तीन रोज में बर्फ गिरने वाली है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि बर्फ गिरने से पहले हमें जगत मुरारी की साजिश का पता लगा लेना चाहिए। एक बार बर्फ गिर गई तो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, कहीं आना जाना नहीं होगा। चल 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 मेरे साथी। वो देख, यहीं ठहर, मैं आता हूं। संभाल के जाना। उसका नाम इस जगह मत लो। वो तो अच्छा है कि लेली शराब पी के बेहोश पड़ी है। सॉरी बॉस, क्या बात हुई? रवि का कहना है कि अगर आरती से जल्दी कागजात हासिल न किए गए तो उनका कोई फायदा नहीं। हमें इस महीने की आखिर तक की मोहलत है। लेकिन कागजात आरती के पास नहीं है। ये तुमने क्यों नहीं बताया? बताया था कि हमने बंबई वाले घर की अच्छी तरह तलाशी ली, लेकिन हमें वहां कुछ नहीं मिला। तो उसका कहना है कि अगर कागजात किसी दूसरे के पास होते तो वो उनका इस्तेमाल किए बिना नहीं रहता। यकीनन कागजात आरती के पास ही होने चाहिए। तो हमें फिर एक बार कोशिश करनी पड़ेगी। कौन है? महेंद्रनाथ जी के आने की खुशी में आज यहाँ जो फैंसी ड्रेस का मुकाबला हो रहा है उसमें फर्स्ट आने वाले स्केटर को महेंद्रनाथ जी अपने शुभ हाथों से इनाम देंगे।
गिफ्ट मिलेगा ना फर्स्ट प्राइज। वेरी गुड। तुम्हें मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई? आरती, थोड़ी देर के लिए तुम ये भूल जाओ कि तुम मुझसे नफरत करती हो, और जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मुझे अंकल को बुलाना पड़ेगा। मैं उनसे मिलकर आया हूँ। आरती, मुझे तुम्हारे पिताजी के खूनी के बारे में पता चल गया क्या? और उसके जुर्म को साबित करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या क्या ये सच है? हाँ आरती, तुम्हारे पिताजी के पास कुछ जरूरी कागजात थे और उन्हीं को हासिल करने के लिए उनको मार दिया गया। क्या तुम उन कागजात के बारे में कुछ जानती हो? कागजात? उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। याद करो आरती, क्या तुम्हारे पिताजी ने उन कागजात के बारे में कभी कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं कहा। तुम भूलती हो आरती, याद करो। नहीं विजय, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, ऐसे कोई कागजात मेरे पास नहीं है, न डैडी ने कभी कुछ कहा है। ये कैसे हो सकता है? हम पुराने घर से निकले तो हमारे पास डैडी की तस्वीर के अलावा और कुछ नहीं था। तस्वीर? वकील साहब, आप कुछ आवाजें सुनी थी, देखने चले आया। कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ। आंटी आंटी चाय चाय। आओ बैठो जल्दी। बापी क्या पढ़ती? तुम मेरे साथ नहीं आई आती, उन्हें क्या मजा था, क्या बस थी? नहीं बाबा, इस सर्दी में मुझसे नहीं घुमा जाता। अरे ललिता, तू इतनी ठंड में इन्हीं कपड़ों में बाहर निकल पड़ी? अंकल आप बाहर आ रहे हैं, पीछे पार्टी क्या पर करिए, मैं आ गया। चलो उठो, इतनी बाहर मत दिखा, तू यहाँ की ठंड को नहीं जानती, चल पहन ले से। ओफो अंकल, आपको ठंड लग रही है इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे भी ठंड लग रही है। मेरा तो चेक करता है यहाँ भी खूब बर्फ गिरे और मैं उसमें भागती फिरूं क्यों आरती? अरे वो तेरे जैसी पगली नहीं है, उसे भी ठंड लगती है और मुझे भी ठंड लग रही है, चलो चले। आरती, तुमने ऐसे अच्छे अंकल किसी के देखे हैं? सुनो ललिता, तुम बहुत भाग्यवान हो। ये दोनों क्या कह रही है? अरे बर्फ गिरी, मगर तुम हमेशा मुझे धुतकारती रहती हो। लेले, तुम समझती क्यों नहीं मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या जज्बात है? मुझे हाथ मत लगाओ। मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूं, मैंने हमेशा डांस का सौदा किया है, जिस्म का नहीं। लेले, लेले, मैं जिस काम के लिए यहां आया उसके पूरा हो जाने पर तुम्हें डांस करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। हम इस मुल्क को छोड़ के किसी दूसरी जगह चले जाएंगे। तुम ये शराब पीना छोड़ दो, मैं वादा करता हूं कि तुमसे शादी करूंगी। नहीं नहीं नहीं, 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 ऐसा क्यों? मैं मर जाऊं तो अच्छा है, लेकिन मेरा गुना इतना भारी है कि माफ भी नहीं आती, माफ भी नहीं आती। वो कौन सा राज है जो तुम्हें खाया जा रहा है, मुझे बताओ प्लीज। चले जाओ यहां से, चले जाओ, चले जाओ। Oh,
रही थी ना, तुम समझती थी तुम दौलत से खुशियाँ खरीद सकती हो। अब तो दौलत मिल गई, अब क्यों पछता रही हो? खुशियाँ मनाओ, हंसो हंसो। मैं यहाँ तक कैसे पहुंच गई? जिंदगी की खुशियां ढूंढने चली, यहाँ गुमराह हो गई। मैं इस नर्क में क्यों आ गई, क्यों आ गई? Wish you all the best. Thank you. Thank you. Lots of luck. We hope you're happy with this agreement. Of course I'm happy, Mr. Walters. It's not a question of my happiness alone. You do not realize what this agreement means to my country. To you, it may simply mean supplying heavy machinery on credit to your client. But to thousands of poor workers in my country, it means new and a better life and a march towards prosperity, because the entire profits will be shared by them. And I feel this is the best way I can serve my country. मैं जानता हूँ इस महान कार्य के लिए आपने क्या क्या खतरे मोल लिए। खतरा तो खैर अब भी है चंद्रनाथ जी, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं। मजदूर अपनी मेहनत से कमाएं और नफे में हिस्सेदार बन जाएं, यही मेरा सपना था और अब ये सपना पूरा हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, गुड बाय। थैंक यू एंड गुड बाय। Really large country. Yes, I agree. लेकिन अंकल ने जाने कहाँ चले गए? आपसे कुछ कहकर तो नहीं गए? नहीं, लेकिन कोई जरूरी काम होगा तभी गए होंगे। इस बर्फ में न जाने ऐसा कौन सा काम है जो यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ता। जब तुम्हारे अपने कंधों पर बोझ पड़ेगा तब जान जाओगी। मैं हमेशा तो ये कारोबार संभालने वाला हूँ। अंकल। हाँ ललिता, जब मैं न होऊंगा सब कुछ तुम्हें ही तो देखना पड़ेगा। सिर्फ एक बात का ख्याल रखना बेटी, किसी दुखी को धुतकारना नहीं, और कोई मदद की उम्मीद लेकर आए उसे खाली हाथ नहीं भेजना। आज आपको क्या हो गया अंकल? आज मैं बहुत खुश हूं ललिता, आज मेरा मकसद पूरा हो गया। अब मेरे दुश्मन जो चाहे करे मुझे उनकी परवाह नहीं। क्या मतलब? मतलब ये वकील साहब, जिस फॉरेन फर्म के साथ मैं इतने दिनों तक कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, आज वो हो गया। एग्रीमेंट हो गया? हाँ, एग्रीमेंट हो गया। यहाँ शिमला में? हाँ, यहाँ शिमला में। और लोगों को कानो कान खबर तक नहीं होने दी। लोग समझ रहे होंगे कि मैं पुरखों की जमीन देखने के लिए शिमला आया हूँ। बहुत खूब, लेकिन अब तो लोगों को पता चली जाएगा। अब पता लगने से क्या बिगाड़ लेंगे? अब तो मेरी जान भी ले लें तो मुझे उसकी परवाह नहीं। कैसी बातें करते हैं अंकल? तुझे बुखार है? खान लगे। ऐसे बुखार है वकील साहब, जरा डॉक्टर को फोन कर दी। चल अंदर। हेलो। हाँ, मैं विजय बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हारे पिताजी के कातिल का पता लगा लिया है। तुम फौरन बाहर चली आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ बिंदर सिंह। हाँ जी। मैं जरूरी काम से जा रही हूँ, मम्मी को बता देना। बहुत। हाँ? मेरे बेटे जरूर किसी मुसीबत में फंस गए हैं। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, अंदर चलिए। साहब ने उन्हें ढूंढने के लिए इसकी पर पे मशालों वाले आदमी भेज दिए। चलिए आप अंदर चलिए। Oh, my God.
हाँ विजय, आरती का कोई पता नहीं, उसे ढूंढने के लिए जिन लोगों को भेजा था वो लोग भी खाली हाथ चले आए थे, उसका पता नहीं। आप फिक्र ना कीजिए अंकल, मैं जानता हूँ आरती को कौन लोग उठा ले गए, मैं उनके पीछे जाता हूँ। हेलो, क्या हुआ? हेलो, टेलीफोन बंद कर दिया, कहता है कि जो लोग उसे उठा कर ले गए वो जानता कौन लोग चले गए, क्या करें। मैंने कह दिया ना, मुझे कागजात के बारे में कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। बताओ वो कागजात कहाँ हैं? नहीं मालूम, नहीं मालूम। बनो मत, अगर तुमने ना बताया कि कागजात कहाँ हैं, तो तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को बस सूरत बनाते हमें देर नहीं लगेगी। नहीं, नहीं, नहीं। अब भी बता दो, वरना तुम्हारी ये जिद तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। हुस्न अगर जिद पे आ जाए, बात किसी की ना माने ना माने, हुस्न अगर जिद पे आ जाए, बात किसी की ना माने ना माने, आज फैसला होके रहेगा, अरे आज फैसला होके रहेगा,
फुसला कर कागजात का पता कर लोगे। तुम भूलते हो मुझे सचमुच कागजात के बारे में कुछ नहीं मालूम। मुझे कागजात से कोई मतलब नहीं, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। रवि, तुमने यहाँ आने के लिए मना किया था ना? मजबूरी किसी बंदिश को नहीं मानती है सेठ जी। ऐसी भी क्या मजबूरी है? आप सुनेंगे तो यकीन नहीं करेंगे। स्की के इन डॉक्टरों में तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। जल्दी करो, थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। स्की बाहर रखी है। तुमने ये खबर आज तक मुझसे छुपा के क्यों रखी? मुझे भी ये राज आज ही मालूम हुआ है। वरना आप क्या समझते हैं, महेंद्रनाथ को मैं यूं ही छोड़ देता? अगर दुनिया वालों को यह मालूम हो जाए कि समाज के सरमौर सेठ महेंद्रनाथ की बीवी नाइट क्लबों में अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली एक डांसर है, तो क्या वो दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे? हरगिज नहीं। काश ये राज मुझे पहले मालूम हो जाता तो आज उनसे बहुत बड़ी रकम ऐंठ लेता। लेकिन महेंद्रनाथ तुम्हें रुपए देने से पहले खत्म हो जाएगा। ये बात मुझे लिली को फौरन सुना देना चाहिए। लेकिन लिली अगर आरती को लेकर भाग ना गई हो तो? दरवाजा खोलने में कितने देर? आरती कहाँ? मैं पूछता हूँ आरती कहाँ है? वो मुझे मार के खा गई। भाग गई या तुमने उसे भगा दिया? पहले तुम इसके सवाल का जवाब दो कि आरती खुद भाग गई या तुमने उसे भगा दिया? मैंने मैंने उसे भगा दिया। मैं उसे क्यों भगाती? इसलिए कि वो तुम्हारी बड़ी बहन की लड़की है। क्यों? क्या ये झूठ है? बोलो। मैंने तुम पर कितना भरोसा किया और उसका तुमने मुझे ये बदला दिया। लेकिन ये ना समझ लेना कि आरती बच निकलेगी। राजन, कुछ भी करके आरती को वापस लेके आओ। नहीं, ओके बस। तुमने अभी मेरी नफरत नहीं देखी है नीली? जिन लोगों के लिए तुम मेरे काम में रुकावट डालने की कोशिश कर रही थी, मैं उनको खत्म करके ही रहूंगा। ना आरती बचेगी और ना महेंद्रनाथ, जिसकी याद तुम्हें दिन रात खाए रहती है। तुम्हें यह भी पता लग गया? आज रात को महेंद्रनाथ को खत्म कर दिया जाए। फोन से कोई फायदा नहीं। मैंने महेंद्रनाथ की फोन की लाइन कटवा दी है और चारों तरफ बर्फ के रास्ते बंद कर दिए। तुम्हारे चाहने पर भी तुम महेंद्रनाथ तक नहीं पहुंच सकोगी। Thank you.
जानती हूँ तुम्हारे लिए मैं मर चुकी हूँ, मगर आज आज मुझसे मुंह मत फेरो अनिता। मेरी बहन, मेरी बहन अनिता, अनिता तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर महेंद्रनाथ जी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो अधिकार मांगने नहीं आई हूँ, ना अपने गुनाहों की माफी मांगने। अनिता, मैं तो सिर्फ ये कहने आई हूँ। अनिता, तुम नहीं समझ सकोगी तुम्हारे चले जाने के बाद मुझ पर क्या बीती। मेरी दुनिया सुन्न हो गई, अब तुम आ गई हो, मुझे सब कुछ मिल गया। काश काश मैं रह सकती। क्यों नहीं रह सकते अनिता? तुम्हारे लिए मेरे दिल में पहले जो प्यार था वो अब भी है। अब तुम नहीं जाओगे अनिता, अब तुम नहीं जाओगे। बोलो अनिता, अब क्या हुआ? क्या हुआ अनिता, क्या हुआ? ये खून कैसे? मेरे पापा का प्रायश्चित, उसने मुझ पर गोली चला दी। मैं भी डॉक्टर को फोन करता हूँ। टेलीफोन की लाइन काटती है। किन लोगों ने टेलीफोन की लाइन काटती? जगत मुरारी ने, वही आरती को उठा कर ले गए। वो आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मैं यही कहने ले आई हूँ। तुमने क्या किया अनिता? मुझे बचाने के लिए तो अपनी जान की बाजी लगा दी। मुझे आपके चरणों की धूल मिली, अपने खुशी। अनिता, अरे भाई वो महमूद एक्टर यही रहते हैं। अरे नहीं महमूद एक्टर कोई नहीं रहा है, शिमला। हाँ, वो आउटडोर शूटिंग के लिए आया। पापा बर्फ से भरा हुआ आउटडोर किधर शूटिंग हो रहा है? अरे
आप लोग रनी खेल रहे हैं? मैं खेल सकता हूँ? पैसे के साथ खेल रहे हैं? हाँ, पैसे के साथ खेल रहे हैं, आप ही खेलो। शामलाल का तो मैंने खून नहीं किया, लेकिन तुम जिंदा ही बचोगे। खून तुमने नहीं किया, अब तो तुम ये भी कहोगे कि महेंद्रनाथ जी की जान लेने की तुमने कोशिश भी नहीं की। महेंद्रनाथ तो अब भी मेरे हाथों से नहीं बच सकता। शामलाल से मुझे कागजात चाहिए थे, मैं उसे भी मारता, लेकिन कागजात मिल जाने के बाद बताओ, शामलाल जी का खून किसने किया था? उसने, जिसको शामलाल के कागजात से डर था। क्या था उन कागजात में, बताओ? अगर यहां से जिंदा बचकर जा सको तो वकील साहब से पूछ। We'll be right back.
मिस्टर विक्रम की वजह से ही आज हम जिंदा वापस लौट सके। ओह थैंक्स। आप जानते हैं कौन है? क्या मतलब कौन? सीबीआई के बहुत बड़े ऑफिसर। सीबीआई ऑफिसर? अपने डिपार्टमेंट की तरफ से जगत मुरारी और उसके गैंग के पीछे लगे हुए थे। वैसे क्या वो जगत मुरारी का? वो मारा गया। He is dead now. तो मेरे दोस्त के कातिल और आरती के पिताजी के खूनी को आखिर उसके गुनाहों की सजा मिल गई? नहीं अंकल, आरती के पिताजी का खूनी अब भी आजाद है। आजाद? क्या? जगत मुरारी उनकी जान के पीछे नहीं था, बल्कि उनके पास कोई जरूरी कागजात थे, उनके पीछे था। ऐसे? तो क्या वो जरूरी कागजात जगत मुरारी को मिले? जी नहीं, क्योंकि आरती भी उन कागजात के बारे में कुछ नहीं जानती थी। आखिर उन कागजात में से क्या खास बात है? इस सवाल का जवाब भी मुझे ही देना पड़ेगा वकील साहब। मतलब? आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिस आदमी को उन कागजात से नुकसान हो सकता था उसने आरती के पिताजी का खून किया है, और अब मैं ये जान गया हूं कि वो कागजात कहां है। कहां है? आरती के पिताजी की तस्वीर के फ्रेम के अंदर। ये तुम्हें कैसे मालूम? मरते वक्त आरती के पिताजी ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त मुझे समझ में कुछ नहीं आया। बाद में जब मैं आरती से बात कर रहा था तो मुझे ख्याल आया। ठहरिए वकील साहब, उन कागजात की मुझे ज्यादा जरूरत है। अगर वो कागज आपके हाथ लग जाए तो आप उन्हें फाड़ देंगे। ठहरिए। वकील साहब, इसका मतलब आरती के पिताजी का खूनी आप हैं? वकील साहब, कब से मुझे इन कागजात की तलाश थी? महेंद्रनाथ जी, इसमें जो कागजात है बहुत काम के हैं। पिताजी लो। कौन हो तुम? मैं महेंद्रनाथ जी, इन्हें पढ़कर सुना दीजिए। सुरेंद्र मोहन खुराना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, न्यू दिल्ली। सीबीआई? और मिस्टर विक्रम? एक खतरनाक गुनहगार जिसकी दुनिया के कई मुल्कों को तलाश है। क्या बकते हो? शाह, तुम्हारे खिलाफ हमने सारे सबूत हासिल कर लिए हैं। अरेस्ट है, लाओ यह तस्वीर मुझे दो। थैंक यू महेंद्रनाथ जी, सिर्फ सीबीआई नहीं बल्कि सारा देश आपका शुक्रगुजार है। अगर आप खबर ना देते तो ना विक्रम ही पकड़ा जाता और ना ही वो हथियार हमारे कब्जे में आते जिन्हें यह देश में तबाही फैलाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। अच्छा, मेरे खिलाफ तुमने खबर दी? तुमने मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। याद रखो महेंद्रनाथ, तुम भी बचकर नहीं निकल सकते। मैं बचूं या ना बचूं, मैंने जो कुछ किया मेरा फर्ज था। फर्ज? तो फर्ज के लिए तुमने अपने दोस्त को टाइम बम लगा के उड़ा दिया। शायद फर्ज के लिए तुमने आरती के बाप का खून किया। इंस्पेक्टर साहब, आरती के बाप के खूनी ये है, ये है। ये मजाक? एक देवता पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हो? प्लीज प्लीज, देवता तस्वीर खोल कर देखिए, सारे सबूत मिल जाएंगे कि असली खूनी कौन है। प्लीज महेंद्रनाथ जी, क्या बात है? विक्रम क्या कह रहा है? इंस्पेक्टर साहब, आप एक गुनहगार की बात पर यकीन कर रहे हैं जिसकी कोई अहमियत नहीं। वकील साहब, कानून को जानते हुए आप ये कर रहे हैं? तस्वीर मुझे दीजिए। इंस्पेक्टर प्लीज। वकील साहब, आपने हमेशा दोस्ती का फर्ज निभाया, हमेशा एक दोस्त की मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन अब सच्चाई पर पर्दा डालने की जरूरत नहीं, प्लीज। मिस्टर खुराना, विक्रम ने जो कुछ कहा वो सच है। नहीं हो सकता, आप कातिल नहीं हो सकते, आप कह के नहीं देते कि ये सब झूठ है। अंकल कह दीजिए, आपको मां के नाजों की कसम, जो सच है कह दीजिए। ये सच है बेटी, तुम्हारे पिता का कातिल मैं। आपने ऐसा क्यों किया? मेरा ख्याल है आप लोग भी जानना चाहते होंगे कि श्यामलाल का खून मैंने क्यों किया। महेंद्रनाथ जी, आप नहीं जानते श्यामलाल कौन था, उसकी असलियत क्या थी। ऐसे आदमी का मर जाना चाहिए। आप जानबूझ के फांसी भी चढ़ना चाहते हैं? मुझे कहने नहीं दीजिए वकील साहब, मुझे कहने नहीं दीजिए। 30 मार्च की रात अब तक मेरी आंखों के सामने श्यामलाल, तुम इतने रात गए? महेंद्र, मैं बड़ी मुसीबत में हूं, एक तुम हो जो मुझे बचा सकते हो। अशोक को बात कर, पहले तुम ये बता दो
कि विक्रम को मालूम है कि तुम्हारा पार्टनर सिंगापुर में फौजी हथियार चुराकर बागियों को बेचा करता था। और क्या मालूम है? उसे ये भी मालूम है कि अपने पार्टनर के जुर्म में तुम पकड़े गए थे और सिंगापुर के जेल से भाग निकले थे। विक्रम को ये कैसे मालूम हुआ? क्योंकि विक्रम ही बागियों की तरफ से तुम्हारे पार्टनर से हथियार खरीदता था। विक्रम? हाँ विक्रम। लेकिन लेकिन इस बात को उसके पास क्या सबूत? सिंगापुर पुलिस रिकॉर्ड के वो खुफिया कागजात जिनसे तुम्हारा गुनहगार होना साबित होता है, जिनमें यह हकीकत दर्ज है कि तुम जेल से भाग निकले थे। मुझे मालूम है गुनाह तुम्हारे पार्टनर ने किया और पकड़े तुम गए। तुम बेगुनाह हो लेकिन ये कागजात दुनिया की नजरों में तुम्हें गुनहगारी ठहराएंगे। तो ये कागजात विक्रम के पास है? वो कागजात मेरे पास है। तुम्हारे पास? हाँ। विक्रम को मालूम था तुम्हारा पार्टनर उन कागजों के जोर पर तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए सिंगापुर से भारत आया है और मैं विक्रम से मिल गया। श्यामलाल, पहले तुम्हारे पार्टनर से उन कागजों की चोरी की और उसे गाड़ी में बिठाकर उसे टाइम बम से उड़ा दिया। श्यामलाल ये क्या किया तुमने? तुमने खून किया? तुमने ऐसा क्यों किया? महेंद्रनाथ, मैं बाजार का भारी कर्जदार हो गया हूं और वही कर्ज चुकाने के लिए मुझे जगत मुरारी से भी कर्ज लेना पड़ा। मैं बहुत परेशान था और मुझे लगा अगर मैंने वो कागजात हासिल कर लिए तो मुझे रुपयों की परेशानी नहीं होगी। कहाँ है वो कागजात? वो कागजात मेरे घर में महफूज है, मेरे सिवा किसी को नहीं मालूम। महेंद्रनाथ, तुम्हें किसी बात का डर नहीं। उन कागजात के लिए तुम्हें कितने रुपए चाहिए? अब वो लोग रुपयों से मानने वाले नहीं। वो लोग? विक्रम और जगत मुरारी। तुम उनका काम कर दो, मेरा कर्जा उतर जाएगा। क्या चाहते हो लोग? पहले वादा करो तुम मेरा काम कर दोगे वरना 24 घंटे के अंदर मुझे मजबूरन वो कागजात उनके हवाले कर देने पड़ेंगे, फिर वो जो चाहे करें। क्या करना होगा मुझे? उन्होंने बड़ी तादाद में हथियार छिपा कर रखे हैं, राइफल्स, 10 गन, हैंड ग्रेनेड्स। अब वो उन्हें ज्यादा देर तक छुपा कर नहीं रख सकते क्योंकि CBI को शक हो गया है। तुम्हारे ट्रक्स फौजी सामान भी ले जाते हैं और बॉर्डर तक जाते हैं। तुम अपने ट्रकों में वह हथियार बॉर्डर के पार पहुंचा दो। क्या? तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, बॉर्डर पार करने का सरकारी परमिट है। श्यामलाल, कोई शक नहीं करेगा। ये तुम क्या करो? इसी में हम सबके भलाई है महेंद्रनाथ। भलाई? केस में उन लोगों की भलाई है जिन्हें उन हथियारों से छलनी कर दिया जाएगा, जिनके घर बार बाल बच्चे सब खत्म कर दिए जाएंगे। तुम चाहते हो कि हजारों मासूमों के खून से मैं अपने हाथ रंग लूं? तुम्हें बंदूकें और स्टैन गन चलाने तो नहीं, सिर्फ बॉर्डर तक पहुंचाना है। श्यामलाल, जो लोग कातिलों के हाथ में हथियार देते हैं वो उनसे भी ज्यादा गुनहगार हैं। जब दुनिया के बड़े बड़े मुल्क अपने फायदे के लिए हथियार बेचते हुए ये नहीं सोचते कि वो उन्हें कत्लेआम के लिए कातिलों के हाथों में दे रहे हैं तो फिर मैं क्यों परेशान होने लगा? इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं। मेरे लिए अपनी जान की कीमत सबसे ज्यादा है। अपने आप को बचाने के लिए मैं तुम्हें भी बर्बाद करने से पीछे नहीं हटूंगा। ये जानकर भी कि मुझे बर्बाद करके तुम देश का कितना भारी नुकसान करोगे। श्यामलाल, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ देश और देश के मजदूरों की खुशहाली चाहता हूं। और ये सबसे पहले मेरी खुशहाली। कल रात तक तुम्हें बॉर्डर पर हथियार पहुंचाने की बात मान लेनी पड़ेगी। मैं तुम्हारी हां सुनने के लिए घर पर इंतजार करूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या मैं इस बात के लिए तैयार हो जाता कि हजारों बेगुनाह इंसान मौत के घाट उतार दिए जाएं? लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि आपने उस बात की खबर पुलिस को क्यों दी? उन कागजात के लिए जो उस फोटो में, उनसे मेरी पिछली जिंदगी का राज खुल जाता है। मैं बदनाम हो जाता, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। उस वक्त मैं एक बहुत बड़े विदेशी फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट की बातचीत कर रहा था और वो कॉन्ट्रैक्ट मैं किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था क्योंकि उससे हजारों मजदूरों को काम मिलता, देश की तरक्की होती। अगर श्यामलाल जिंदा रहता तो ये मुमकिन नहीं था। मेरे सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे, देश की भलाई या श्यामलाल की मौत। देश की भलाई के आगे मैं किसी की जान की कीमत नहीं समझता। खबरदार जो किसी ने अंकल को हाथ भी लगाया।
जिस इंसान ने अपने देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया उसे अपराधी मानने वाले कानून को मैं कानून का मजाक समझती हूँ। चलिए अंकल, दुनिया में सिर्फ यही तो एक मुल्क नहीं, हम कहीं ऐसी जगह चलकर रहेंगे जहाँ देश प्रेमियों को अपराधी नहीं माना जाता बल्कि उनका सम्मान किया जाता है। चलिए अंकल, देर मत कीजिए। ललिता, जिस देश ने मुझे जन्म दिया है, जिसके अन्न जल से मेरा यह शरीर बना है, उसके कानून की सजा में भुगतने के लिए तैयार हूं। अलगता, कुछ लोग जिंदा रहकर अपने देश की सेवा करते हैं और कुछ लोग अपनी जान निछावर करके। मैं अपने देश और देशवासियों के लिए जिया हूं, अब उन्हीं के बनाए हुए कानून के लिए मरने को तैयार हूं। अंकल सुन ललिता, मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि तुझ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ पड़ने वाला है, उसे संभाल ले। और सुन, अगर कोई भी दुखी तेरे पास आए तो उसे दुत्कारना नहीं या कोई मदद की उम्मीद लेकर आए, उसे खाली नहीं भेजना। ये आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। कानून ने मेरे अंकल की जान ले ली, कानून ने मेरे अंकल की जान ले ली। मजदूर अपनी मेहनत से कमाए और नफे में हिस्सेदार बन जाए, यही मेरा सपना था और अब यह सपना पूरा हो जाएगा। आज अंकल का सपना सच्चा हुआ, बस अब उनकी एक ही इच्छा बाकी रह गई। वो तुम दोनों को एक साथ देखना चाहते थे, मैं चाहती हूं आज उनकी ये इच्छा भी पूरी हो जाए।